जी। अब हम ये फेडरल बोर्ड फिजिक्स क्लास 10 का 2017 का पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें अब हम सेक्शन ए जो है वो हम बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेक्शन बी और सेक्शन सी की जो है वो बात कर लेते हैं। तो सेक्शन बी जो है देखते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें 15 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपके पास। तो आपने कोई से 11 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो बेस्ट आपको 11 आते हो आप वही अटेम्प्ट किया करें। इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, साइंटिफिक रीजंस भी होती हैं, कुछ डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। तो चले क्वेश्चन नंबर वन जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 MHz। वेवलेंथ बतानी है जो रेडियो वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट करती हैं जब एफएम स्टेशन 90 MHz पे जो है वो हो, और स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स उसने बता दिया कि वो 3 × 10^8 m/s है। वो स्पीड है जो लाइट की स्पीड होती है हमारे पास, जो हमें याद भी होती है कि 3 × 10^8 m/s। गिवन डाटा पहले लिख लें हमेशा की तरह। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, वो 90 MHz है। जब किलो अगर हर्ट्ज गिवन हो तो यहाँ पे 10^3 आता है, मेगा हो तो 10^6 आता है, गेगा हो तो 10^9 आता है, और अगर टेरा हो तो 10^12 आ जाता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। और स्पीड गिवन है रेडियो वेव्स की क्या है, 3 × 10^8 m/s। ये आ गया, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। याद रखिएगा जब भी ये साउंड वेव्स कि हम बात करते हैं, वाटर वेव्स की बात करते हैं, तो वहां हमेशा जो है ये वाला फार्मूला जो है वो यूज होता है। तो कौन सा फार्मूला यूज होता है, फार्मूला यूज होता है वी इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ओके। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो वेव्स की हमें गिवन है, और जो उनकी स्पीड है वो भी गिवन है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट ही है, और अननोन जो है वो हमने फाइंड करना है वेवलेंथ को। फार्मूला यूज हम करेंगे जो हमारे पास वेव इक्वेशन होती है, जो साउंड के लिए भी हम यूज करते हैं, साउंड वेव्स के लिए भी, वाटर वेव्स के लिए भी, वो होती है वी इक्वल टू एफ लेमडा। हमने लेमडा फाइंड करना है, लेमडा इधर ही रहने दें, एफ दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा इक्वल टू वी बाई एफ। तो देखें वी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 3 × 10^8 m/s, डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू जो है वो भी हमें गिवन है कितनी है, 90 × 10^6 हर्ट्ज। आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर से आप सोल्व कर लेंगे, तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 3.33 m। मीटर क्यों, क्योंकि वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ हमने फाइंड की है, और वेवलेंथ की यूनिट जो है वो
मीटर होती है, इस वजह से यहाँ हमारे पास मीटर आ गया। अच्छा ठीक है, तो इस तरह हमने जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। क्या था, हमें रेडियो वेव्स की जो है वेवलेंथ फाइंड करनी थी, और जिस एफएम स्टेशन से वो ट्रांसमिट हो रही थी उसकी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, और इन रेडियो वेव्स की हमें स्पीड जो है वो भी गिवन थी। हमने नोन डेटा जो था वो लिख लिया, अननोन जो चीज थी वो भी लिखी, फिर हमने जो वेव इक्वेशन है जो साउंड वेव्स या वाटर वेव्स के लिए हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमने वो इक्वेशन यूज की, और वो इक्वेशन यूज करके हमने जो स्पीड है, सॉरी जो वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की, जो वेवलेंथ होगी वो हमने जो है वो फाइंड कर ली, और वो हमारे पास आ गई 3.33 मीटर। तो अब हम चलते हैं दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो है आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एनी 3 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की कोई सी 3 जो है हमने यूजेस जो है वो बताने हैं। यूजेस क्या है अल्ट्रासाउंड के, एक तो ये है कि ये जो अल्ट्रासाउंड, ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स ही होती हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स की अब हमने 3 यूजेस बतानी है। एक तो ये कि ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ये बेसिकली ये हम बहुत सी जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए और उनका पता चलाने के लिए कि ये बीमारी है या नहीं है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हम डिफरेंट डिजीजेस की डायग्नोसिस और उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज करते हैं। ये तो हो गया एक यूज इसका। तो अब हम बात कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के दूसरे यूजेस की। दूसरा यूज है अल्ट्रासोनिक वेव्स का कि पावरफुल अल्ट्रासोनिक इज बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द आर्टरीज। आर्टरीज से ये जो ब्लड के क्लॉट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो यूज करते हैं। और थर्ड यूज जो है वो है कि इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम यूज करते हैं ये जो समंदर की डेप्थ, समंदर की गहराई कितनी है ये जानने के लिए, और मजीद हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसकी इको के जरिए जो गूंज होती है समंदर में उससे जो है उसके लिए हम जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो यूज करते हैं। तो 3 कौन से यूजेज मैंने आपको बताया अल्ट्रासोनिक वेव्स के, एक तो ये कि हम मैनी बहुत सी डिजीज की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स हम यूज करते हैं। सेकंड, फिर मैंने आपको बताया कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है बड़ी पावरफुल होती हैं, इन आर्टरीज में ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर मैंने थर्ड आपको बताया कि ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड जिन्हें कहते हैं, इन्हें हम सी समंदर की डेप्थ कितनी है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड, हम उसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है समंदर में उसकी इको के जरिए जो है हम वो डिटरमिन करते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो 30 सेंटीमीटर टॉल है, लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है, 10.5 सेंटीमीटर कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो देखें ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम पी से शो करते हैं, ठीक है। विद अ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितनी है कनकेव मिरर की, वो 16 सेंटीमीटर है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज किस डिस्टेंस पे फॉर्म होगी वो हमने जो है फाइंड करना है, और इमेज की जो लोकेशन होती है या इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्यू से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। देखें अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, एक कनकेव मिरर की जो है वो बात कर रहा है,
उसमें ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट वो बता रहा है कि वो 30 सेंटीमीटर है, और इस ये कनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जो पी है, वो उसने हमें बता दिया है कि वो कितना है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, या जो पोजीशन होती है, उसे हम बेसिकली पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो उसने बताया कि हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। यूनिट सेम होती है, चाहे इमेज के डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बात करें, फोकल लेंथ की, और ये सेंटीमीटर में होती है। साथ उसने कनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी हमें बता दी है कि वो कितनी है, वो है 16 सेंटीमीटर। ओके, हमने इमेज कहाँ लोकेटेड है ये बताना है। इमेज का साइज या इमेज पोजीशन के लिए हम जो है सिंबल क्यू जो है वो यूज करते हैं। चलें, आप जो हमारे पास स्टैंडर्ड मिरर फार्मूला है हम वो यूज कर लेते हैं। वो क्या होता है कि 1/f हमारे पास बराबर होता है 1/p प्लस 1/q के। और यहाँ पे भी हमने जो है ये फार्मूला जो है वो यूज करना है। देख लेते हैं, ये देखें, पहले गिवन डाटा जो था वो लिख लिया, जो अननोन था वो लिखा क्वेश्चन मार्क डाल के, फिर ये मिरर फार्मूला यूज कर रहे हैं 1/f = 1/p + 1/q। देखें, f भी गिवन है, p भी गिवन है, q फाइंड करना है। यहाँ पे 1/16 लिख लें, = 1/10.5 + 1/q। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, अब 1/q इसी साइड आप रहने दें, ये दूसरी साइड जा के माइनस हो जाएगा, तो 1/q आ जाएगा 1/f - 1/p। f की वैल्यू पुट की हुई है, p की वैल्यू पुट की हुई है। आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे सिंपल करके आपके पास ये जवाब आएगा। ठीक है, हमें q चाहिए जो कि इमेज की पोजीशन है, इसे आप ऊपर कर लेंगे, ये 168 - 1.5 आएगा, तो -30.54 सेंटीमीटर आपके पास जवाब आ जाएगा। माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कनकेव मिरर है और उसकी जो है इमेज जो है वो फॉर्म जो होती है वो उसके साथ पता है कि वो इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल होती है, सॉरी। तो इस वजह से जो है हमने इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लिखा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। चलें, अब हम बात करते हैं, तो क्या पता चला हमें कनकेव मिरर से बताया गया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो इतने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें दे दी थी, फोकल लेंथ जो थी कनकेव मिरर की वो भी दे दी थी, और हमसे ये पूछा गया था कि आप बताएं कि इमेज कहाँ फॉर्मड होगी, इमेज की क्या पोजीशन होगी, इमेज किस डिस्टेंस में फॉर्मड होगी। तो हमने वो जो है क्यू जो है वो फाइंड करना था, तो हमने मिरर फार्मूला जो है वो यूज कर लिया, जो कि था 1/f = 1/p + 1/q। f गिवन है जो फोकल लेंथ थी कनकेव मिरर की, p गिवन था जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, q हमने फाइंड करना था जो इमेज का साइज, इमेज का डिस्टेंस, इमेज की पोजीशन थी। यहाँ से हमने ये दूसरी साइड ले गया वैल्यूज पुट की, यहाँ से हमारे पास इमेज की पोजीशन या इमेज का साइज, इमेज का डिस्टेंस जो है वो आ गया, और वो आ गया हमारे पास 30.54 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई अ फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी एट डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस देन इट एक्चुअली इज। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि एक मछली जो है जो पानी के नीचे होती है, वो बेसिकली जो उसकी एक्चुअल सरफेस होती है ना, जहाँ पे वो होती है,
वो उससे हमें डिफरेंट डेप्थ पे जो है वो नजर आ रही होती है, मतलब एक्चुअल डेप्थ से उसकी अपेरेंट डेप्थ जो है वो डिफरेंट नजर आ रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन भी एक्सक्लूडेड है सिलेबस में, जो 2021 का स्मार्ट सिलेबस था, तो हम इसे फिलहाल डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, एक रिलेशन के जरिए ये हम जस्टिफाई करेंगे अपनी रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का क्या काम होता है वो बताना है जी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए थर्मिस्टर होता क्या है। थर्मिस्टर जो है ये एक हीट सेंसिटिव जो है वो रेजिस्टर होता है, ठीक है, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है जब ये हॉट हो जाता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है करंट जो है वो बढ़ता है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, हीट जब करते हैं तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास करंट की कंडक्शन के लिए जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो फंक्शन क्या है थर्मिस्टर का? थर्मिस्टर जो है हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, करंट जो है वो बढ़ता है जैसे जैसे थर्मिस्टर को हम हॉट करते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? इस वजह से होता है क्योंकि हीट जब करते हैं थर्मिस्टर को तो और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, जो फिर करंट में कंडक्शन में जो है वो पार लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ लेंज़ लॉ कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस स्टेटमेंट से एक बात अंडरस्टूड है कि जो लेंज़ लॉ है उससे जो है हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा, उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लेंज़ लॉ यूज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलें पहले लेंज़ लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेंज़ लॉ स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। ये कह रहा है कि किसी भी सर्किट में, लेंज़ लॉ ये बताता है कि किसी भी सर्किट में जो इंड्यूस करंट पैदा होता है उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा मुख्तलिफ होती है, ऑपोजिट होती है उस काज के जिसकी वजह से ये इंड्यूस करंट उस सर्किट में प्रोड्यूस्ड हुआ है। ये लेंज़ लॉ है। हेंस दिस लॉ कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। क्योंकि इस लॉ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, सिंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन एक सर्किट के अंदर उससे मुख्तलिफ होती है जो इसकी कॉज हो, देयरफॉर वी कैन फाइंड इट बाय नोइंग द डायरेक्शन ऑफ कॉज ऑफ ईएमएफ प्रोडक्शन। लिहाजा जिसकी वजह से सर्किट में हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है उस कॉज की डायरेक्शन का अगर हमें पता हो तो हम इंड्यूस्ड जो है बता सकते हैं कि ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो लेंज़ लॉ पहले डिफाइन कर लिया कि लेंज़ लॉ ये कहता है कि हमारे पास सर्किट में जो करंट इंड्यूस्ड होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा उसकी कॉज से ऑपोजिट होती है। फिर हमने कहा कि ये हम जो है हम कैसे बता सकते हैं कि कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन लेंज़ लॉ यूज करके जो है बता सकते हैं। क्योंकि जो इंड्यूस करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सर्किट में जनरेट होता है वो अपने कॉज जिसने उस इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस किया उसके ऑपोजिट सिमत में होते हैं। तो अगर हम उस कॉज की डायरेक्शन का बता दें तो फिर हम वहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन का जो है वो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मायनिक इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से थर्मायनिक इमिशन प्रोसेस कैसे होता है ये बताएं। तो हमें पता है कि जब मेटल्स को हम हीट करते हैं तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं, इसी प्रोसेस को हम थर्मायनिक इमिशन प्रोसेस कहते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ इमिशन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ हार्ड मेटल इसका थर्मायनिक इमिशन। सिंपल, कि हम मेटल्स को जब हीट करते हैं तो उनकी सरफेस से जो है वो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है कि मेटल्स को हीट करके उनकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिशन का जो काम होता है प्रोसेस होता है इसे हम थर्मायनिक इमिशन प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी एक्सक्लूडेड है आपके सिलेबस में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, एन अल्फा पार्टिकल आर गामा रे फोटोन? हाउ? बताएं कि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है या गामा रेस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है? याद रखिएगा गामा रे को फोटोन भी कहते हैं, ठीक है, और इनका कोई मैस नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करते हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल्स का मैस होता है, इनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया जो गामा रे है, फोटोन है, इनकी पेनिट्रेशन पावर भी फिर ज्यादा होती है, ठीक है। कैसे ये बताना है, ये देखें, गामा रे फोटोन हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर एंड कैन पेनिट्रेट अ कंसीडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट। इवन ये जो फोटोन गामा रेज हैं, ये कंक्रीट से भी जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं। इट इज ड्यू टू इट्स लार्ज स्पीड एंड न्यूट्रल नेचर। वो जो मैंने आपको बताया, इनकी गामा रे फोटोन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, और इनका कोई मैस नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। वाइल अल्फा पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट रेंज, लेकिन अल्फा पार्टिकल कम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और आयनाइजिंग पावर। क्यों? क्योंकि इनका मैस होता है, ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन करते हैं मैटर के साथ, और इनकी आयनाइजेशन पावर भी ज्यादा है इनकी मैस की वजह से। तो अल्फा पार्टिकल या गामा रे फोटोन में पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी है? फोटोन की है, गामा रेज की है। क्यों है? क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, ज्यादा डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, इनको कोई मैस नहीं होता, इंट्रैक्शन नहीं करते, जबकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये इनका मैस होता है, ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन करते हैं मैटर के साथ, इनकी आयनाइजेशन ज्यादा होती है, इस वजह से अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर कम होती है गामा रे फोटोन के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ट्रिटियम इज डिकेड बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द डॉटर न्यूक्लियस? एक डिके प्रोसेस होता है, और ट्रिटियम जो है वो, क्वेश्चन है, अगर ट्रिटियम जो है वो एक डिके होता है प्रोसेस में, और डिके होता है एक इलेक्ट्रॉन इमिट करके, तो इसका डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगा, ट्रिटियम मतलब पेरेंट न्यूक्लियस है, इसका डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगा वो क्या होगा वो बताएं। तो ये भी एक्सक्लूडेड है सिलेबस में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस के दरमियान क्या रिलेशन है, उसको डिफाइन करते हैं। पहले तो हम देखते हैं मैथमेटिकल क्या रिलेशन है, फिर मैथमेटिकल फॉर्म से हम रिलेशन को जो है डिफाइन करते हैं। पहली बात तो यह है कि रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइन बाई द फॉलोइंग फार्मूला। साइन सी, ये क्रिटिकल एंगल है हमारे पास, बराबर होता है 1/n के, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। तो क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा? ये साइन दूसरी साइड जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो क्रिटिकल एंगल बराबर होता है साइन इनवर्स 1/n के। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये रिलेशन है ना क्रिटिकल एंगल और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के दरमियान, तो यहाँ से हम डिफाइन कर लेते हैं इस रिलेशनशिप को। वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखें यहाँ से n यहाँ पे हम ले जाए ना, तो साइन सी मल्टीप्लाई बाई n इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, तो इसका क्या मतलब है कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल मल्टीप्लाई बाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी भी सब्सटेंस की, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये हमने रिलेशन देखी क्रिटिकल एंगल और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के दरमियान, और वहां से हमने डिफाइन कर लिया। डिफाइन क्या किया कि अगर क्रिटिकल एंगल का हम साइन ले लें उसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से साथ मल्टीप्लाई कर दें सब्सटेंस के, तो हमारे पास जवाब जो है 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज नॉर गेट, ड्रॉ इट्स ट्रुथ टेबल एंड सिंबल। नॉर गेट को बताना है, फिर इसका ट्रुथ टेबल बना के इसकी सिंबल हमने बतानी है। नॉर गेट, अच्छा नाम से जाहिर हो रहा है, नॉर जो है ये आर और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, ओ आर फॉर आर एंड फॉर नॉट, ठीक है। तो नॉर गेट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड आर गेट। तो इसकी सिंबल जो है ये इसका ट्रुथ टेबल है। देखें ए बी, हम इनपुट पे दो सिग्नल्स देते हैं, एक पॉसिबल ये है कि हम दोनों इनपुट्स पे कुछ भी ना दें, तो हमारे पास इसमें ये होता है कि हमारे पास आउटपुट पे 1 आता है। क्यों? क्योंकि नॉट गेट एक लगा होता है ना, इन्वर्टर का काम करता है नॉट गेट, वो 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है। और एक ये कि अगर एक इनपुट पे हम 1 दे रहे हैं, दूसरी इनपुट पे हम कुछ नहीं दे रहे, तो हमारे पास आउटपुट पे कुछ नहीं आता, और अगर दोनों इनपुट्स पे हम 1 दें तब ये पे कुछ नहीं आता। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। इसकी सिंबल जो है वो ये है कि x रिप्रेजेंट करते हैं, और ये a प्लस बी, और उसका ऊपर इन्वर्जन बार का साइन होता है, और ये जो है वो इसका ये
ड्रा की हुई है सिंबल, ठीक है, नॉर गेट है, और यहाँ से ये इनपुट जा रही है और ये आ गया आउटपुट आती है हमारे पास, तो ये हमारे पास नॉर गेट है। चले क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन हैजर्ड। हम बताए रेडिएशन हैजर्ड जो है बड़ी खतरनाक इनके इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी, तो क्या होते हैं वो लिखने हैं। तो मैंने दो लिखे हैं, रेडिएशन हैजर्ड ये हैं कि एक तो रेडिएशन जो है बंस, ये रेडिएशन जलाती हैं ड्यू टू बीटा एंड गेमा रेडिएशन, बीटा और गेमा रेडिएशन की वजह से, विच मे कॉज रेडनेस एंड सोर्स ऑन द स्किन, जिसकी वजह से बेसिकली रेडिएशन क्या करती हैं, ये बीटा और गेमा रेडिएशन की वजह से जलाती हैं, इसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर जो है वो स्किन जो है वो रेड हो सकती है और हमारे जो है वो छाले जो है वो बन सकते हैं। सेकेंड, जेनेटिक म्यूटेशंस इन बोथ ह्यूमंस एंड प्लांट्स, प्लांट्स और ह्यूमन दोनों में जो है जेनेटिक म्यूटेशन होती है। सम चिल्ड्रन आर बॉर्न विद सीरियस डिफॉर्मिटीज, और कुछ बच्चे जो है वो पैदा होते हैं तो उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, नज़र कमजोर होती है, कोई और बीमारी होती है, तो ये बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, और ये प्लांट्स में भी होते हैं ह्यूमंस में भी होते हैं, तो ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है ये भी रेडिएशन हैजर्ड्स का ही एक इफेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, 14 है, हाउ इज एन इलेक्ट्रोस्कोप यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम कैसे एक इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये भी एक्सक्लूडेड है आपके सिलेबस में, तो हम इसे जो है वो स्किप कर देते हैं। तो ये जो है हमारे पास जो है फेडरल बोर्ड फिजिक्स क्लास 10 2017 का पेपर था, जिसका सेक्शन बी आज हमने जो है बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, सेक्शन ए हम इसका ऑलरेडी एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्शन सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस है वो डिस्कस करके अपनी इस वीडियो को, इस अपने पेपर को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।